अभी हम इसमें एकोस्टिक गिटार चेक करेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंडेंसर माइक्रोफोन। सो माइक्रोफोन है ऑडियो टेक्निका का 80-20-20। सो ये माइक मैंने 3 महीने पहले इसको परचेस किया था। सो ये मुझे पड़ा था अराउंड 8,000 के आसपास, लेकिन इसका जो बिल है, मतलब जो इसमें जो प्रिंटेड है रेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14,000, बट ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा बिलो 9K। सो माइक काफ़ी अच्छा है। सो इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। और बाकी इसका एक और आता है 80-20-35, सो वो इससे थोड़ा सा कॉस्टली है। तो चलो अभी हम इसे करते हैं अनबॉक्स। यहाँ से ये आपका बॉक्स खुलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो पहले वो देखते हैं। ये इसका रजिस्ट्रेशन कार्ड और ये इसका मैनुअल है। सो अभी हम इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। और इस लास्ट एक है, इसमें चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। ये कुछ खास नहीं है, ये ऐसे ही है, इसको रखते हैं साइड में। सो अभी हम लोग आते हैं, नहीं अभी हम देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या हमें मिलता है। ये एक मिलता है हमें पाउच, ऑडियो टेक्निका की इसमें मतलब बैंडिंग है, और पाउच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें बड़ा स्पॉन्ची मुझे लग रहा है। और हाँ, और इसके अंदर है इसका माउंट करने के लिए इसका स्टैंड, इसे रखते हुए साइड में, इसको देखते हैं हम लोग बाद में। और ये इसका जो बैग है, बैग काफ़ी अच्छा है, मतलब इसके अंदर जो फोम लगा हुआ है बड़े सॉफ्ट है, और यहाँ पे आप अपना माइक को लेके इसको आप कैरी कर सकते हो सेफली बिल्कुल। सो बैग भी काफ़ी अच्छा है। एंड सबसे मेन जो है ये आपका माइक। सो माइक को अभी देखते हैं। और माइक के नीचे रखा हुआ है एक सिलिका जेल, जो कि सेफ्टी के लिए होता है, इसे रखते साइड में। तो अभी हम पहले देखते हैं जो इसका गाइड है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो है 20-20,000 किलोहर्ट्ज, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी इसका रेंज काफ़ी दिया हुआ है। बाकी आप इसको XLR पिन से इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका जो पोलर पैटर्न है वो है कार्डियोइड, मतलब ये आपका माइक जो है खाली फ्रंट से लेगा आपका साउंड, बाकी बैक और साइड से ये साउंड को नहीं लेगा। सो इस माइक को आपको रन करने के लिए 48 वोल्ट पावर चाहिए, फैंटम पावर चाहिए, जो कि आपको मिलेगा एक ऑडियो इंटरफेस में। और इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। ओके, सो ये रखते हैं हम लोग साइड में। अब ये आपका माउंट करने के लिए इसका बैग है, पाउच, बाकी बॉक्स पूरा भी खाली है। सो अभी हम लोग देखते हैं इसका स्टैंड, मतलब जहाँ पे ये माइक माउंट होगा। सो गाइस, अभी मैं इसको यहाँ पे माउंट करूँगा सस्पेंशन स्टैंड में। सो यहाँ पे जो है ये आपका मतलब छोटे स्टैंड के लिए है। सो इसको भी हम करते हैं माउंट इसमें। अभी आपके यहाँ पे अच्छे से टाइट हो गया, ये माउंट हो गया बिल्कुल। सो अभी आप इसको ऐसे करके यहाँ पे आप माइक को लगा सकते हो, ये ऐसे माइक यहाँ पे लग जाएगा। सो अभी मैं इसको यहाँ से खोल के अभी मैं इसको मतलब यहाँ पे लगाऊंगा। सो अभी वो इसको ज़रा देख लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे इसको मैं फिक्स करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको इसके अंदर जो ये चीज़ है, ये आपको इसको यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। सो इसको पहले खोलने के लिए आपको कुछ चाहिए होगा, लेकिन ये भी तो लूज़ है। सो मैं इसको हाथ से इसको भी ऐसे करके निकाल सकता हूँ। सो ये इससे हो गया, अलग हो गया इससे, ये वो चीज़ था। सो ये आपको हेल्प करेगा माउंट करने के लिए सस्पेंशन स्टैंड में। तो अभी हम इसे रखते हैं साइड में। अभी हमें इसे करना है माउंट, वो भी इसमें बूम स्टैंड में। सो उसके लिए आपको यहाँ पे
चाहिए खाली। सो इसको भी माउंट करेंगे हम यहाँ पे कर ऐसे ऐसे करके। सो इसको बिल्कुल आराम से ये अभी इसमें इसमें अच्छे से माउंट टाइट हो गया ये। टाइट हो गया अभी। सो यहाँ पे ये अभी हमने माउंट कर दिया, ये बिल्कुल एकदम फिक्स हो गया। अभी यहाँ पे इसको आप ऐसे करके इसको मतलब मूव कर सकते हो। सो माइक मुझे यहाँ पे चाहिए तो इसको मैं ऐसे टाइट कर दिया। अभी हम आते हैं हमारा मेन यूनिट पे, ऑडियो टेक्निका 80-20-20 माइक। तो ये इसकी पैकेजिंग है। सो द मेन यूनिट ऑडियो टेक्निका 80-20-20, ये काफ़ी इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब भारी है माइक। यहाँ पे इसके नीचे 3 पिन है XLR वायर के लिए। सो ये है आपका 80-20-20। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक लुक। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बैक और यहाँ पे लिखा है P48 और इसका जो पोलर पैटर्न है तो उसका यहाँ पे एक ड्राइंग भी है। यहाँ पे लिखा है कार्डियोइड कंडेंसर माइक और ये इसका अपर लुक है और ये इसका बैक लुक, मतलब नीचे का लुक है इसका। सो अभी हम माइक को इसमें माउंट करेंगे। तो माउंट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे सिंपली इसके ऊपर ऐसे रखना है और फिर नीचे जो यहाँ पे एक ये है, एक गोल सा है तो ये आपका घूमता है। सो आपको यहाँ पे इसको ऐसे करके रख के फिर आपको इसको ऐसे घुमाना है। तो ये घूमते 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 ये आपका ये हो जाएगा टाइट। सो ये जैसे ही टाइट हो जाएगा कि ये पूरा आपका ऐसे करके सो अभी आपका माइक इसमें बिल्कुल माउंट हो गया। अभी आपका माइक यहाँ से मतलब गिरेगा नहीं, आप अगर चेक करना तो देखिए माइक नहीं गिर रहा। और इसको मतलब कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए एक XLR केबल। सो ये 3 पिन XLR केबल है। सो ये हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, ये भी इसमें फिक्स हो गया। सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं साउंड चेक में। अभी हम इसका एक साउंड चेक करेंगे तो उसमें गिटार वोकल्स फिर इसका फ्रंट साउंड, बैक साउंड, साइड साउंड सब हम इसका चेक करेंगे। सो गाइस ये है हमारा माइक और माइक के नीचे मैंने कर दिया है कनेक्ट XLR केबल, जो कि ये कनेक्ट है मेरे ऑडियो इंटरफेस के साथ, Focusrite Scarlett 4i4। तो इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कर रखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसको देख सकते हो। बाकी तो इसका जो गेन है, गेन इसका लेवल सेट किया हुआ है बिल्कुल 50 में। सो इसमें 48 वोल्ट पावर जो है वो ऑन है। अभी जो आप मेरा साउंड सुन रहे हो ये आपका ऑडियो टेक्निका 80-20-20 माइक से आपको आ रही है। सो अभी आपको साउंड क्वालिटी बेटर आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम साफ। सो ये इसका फ्रंट है। सो मैं अभी इसको थोड़ा सा मूव करूँगा सो आपको साउंड का जो वेरिएशन है वो आपको मतलब पता लगेगा। ये मैं घुमा दिया और ये इसका बैक साइड आ गया है, बिल्कुल मैं बैक साइड में हूँ और ये है इसका साइड और ये हम फिर से घूम के फ्रंट में आ गए। और मैं अगर इसको यहाँ से भी मैं अगर ऐसे बोलता हूँ तो आई थिंक साउंड उतना क्लियर नहीं आएगा और इसके नीचे से भी साउंड उतना क्लियर नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर इसको फ्रंट से बोलता हूँ तब ये बिल्कुल अच्छे से इसका साउंड कैच करता है क्योंकि ये कार्डियोइड पोलर पैटर्न है तो ये खाली फ्रंट से ही साउंड कैच करेगा। सो गाइस अभी मैं इसमें टेस्ट करूँगा कि ये कितना दूर से साउंड को कैच कर सकता है। सो अभी ये मेरे मुँह के सामने से 1 फीट दूर है, ये करीब मेरे मुँह से 2 फीट दूर है, ये करीब 3 फीट दूर है। सो 4 फीट से कितना साउंड कैच कर रहा है आप देख सकते हो और जो गेन लेवल है 50 में। सॉन्ग टेस्ट अभी हम करते हैं 2 लाइन। सो माइक मेरा बिल्कुल मुंह के सामने है तो एक सॉन्ग गाता हूँ मैं। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। एक और सॉन्ग,
दिल समल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल अभी हम इसमें एकोस्टिक गिटार चेक करेंगे तो तो गाइस आप लोग को ये रिव्यू एंड साउंड चेक कैसा लगा? आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो ये माइक काफ़ी अच्छा है, मतलब होम स्टूडियो के लिए भी, और इसको आप जो मतलब बड़े बड़े जो स्टूडियो होते हैं वहाँ पे भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आती है, मतलब वोकल्स के लिए भी, इंस्ट्रूमेंट के लिए भी, लाइक फ्लूट हो गया, गिटार्स हो गया, तो किसी के लिए भी ये बेस्ट माइक्रोफोन है, मतलब बजट में है बिल्कुल। ऑडियो टेक्निका बिल्कुल आपको एक मतलब अच्छा ब्रांड मिल जाता है ऑडियो टेक्निका का। एंड सो गाइस बस तो आज के लिए तो इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।